पे हम सबसे पहले मेजरमेंट समझ लेते हैं। तो मेजरमेंट है वो आपको डिस्प्ले ऊपर दिख रहा होगा। लेंथ 15.5 इंच है, चेस्ट है 42 इंच, कमर 36 इंच, शोल्डर 16.5 इंच, आर्म होल 18 इंच, फ्रंट नेक 7.5 इंच, बैक नेक 11 इंच और टक्स पॉइंट है वो है 10.5 इंच। तो हमें इसी मेजरमेंट से कटिंग करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इसका जो हमारा मेजरमेंट है वो यहाँ पे आपको छोटा सा डिस्प्ले ऊपर दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको ऑलवेज डिस्प्ले ऑन रहेगा ताकि आपको अच्छे समझ में आ सके। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक ड्राफ्टिंग पेपर लेता हूँ। तो देखिए ये आपका जो कपड़ा रहेगा वो इस तरीके से डबल्ड में फोल्ड रहेगा। तो यहाँ पे हम एक ड्राफ्टिंग पेपर ले लिया हुआ है, तो एक लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। अभी हम इसका लेंथ देखनी है, लेंथ है 15.5 इंच, लेकिन यहाँ पे जो शोल्डर में दबेगा उसके लिए हमें यहाँ पे 16 इंच पर एक मार्किंग करना है और दूसरा मार्किंग हमें करना है करीबन 6 इंच पर। तो ये दोनों लाइनों को हमें स्ट्रेट मिला लेनी है। आप चाहे तो इसे पूरा भी मिला सकते हैं। अभी हमें देखनी है इसकी चेस्ट, चेस्ट है 42 इंच, लेकिन यहाँ पे ये हमारा बॉडी मेजरमेंट है तो हमें यहाँ पे लूजिंग देना पड़ता है, लेकिन पीछे गला हमारा 11 इंच डीप है तो हमें लूजिंग देने की ज़रूरत नहीं है। यानी हल्का सा हम कम भी कर देंगे तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ी हैवी साइज है इसके लिए हम कुछ भी लूजिंग नहीं देंगे और थोड़ा कम भी नहीं करेंगे। 42 है तो उसको हम 4 के साथ डिवाइड करेंगे। चेस्ट का अलग अलग चेस्ट के हिसाब से भी हमारा ऑलरेडी वीडियो बन चुका है, अलग अलग गला होता है, जब 4 से लेके 12 इंच का गला और चेस्ट में कितना लूजिंग देंगे और कितना फिटिंग करेंगे वो हमने अलग अलग साइज़ के हिसाब से देख लिया। वो आप ज़्यादा जानकारी के लिए वो वाले वीडियो आप देख लेना। तो यहाँ पर 42 का हमारा 4 डिवाइड होता है वो होता है 10.5 इंच। देखिए यहाँ पर हम 10.5 इंच रखेंगे और यहाँ पे एक मार्किंग करेंगे। अभी हम देखेंगे कमर, 36 इंच कमर है तो कमर में हम कुछ भी लूजिंग नहीं देते हैं। तो यहाँ पे 36 का हमारा 4 डिवाइड होता है 9 इंच, तो एक मार्किंग हम यहाँ पे 9 इंच पर कर देंगे। दूसरा हम यहाँ पे एक टक्स लेंगे, तो एक टक्स के लिए हम यहाँ पे टक्स लेंगे इतना, तो हम वो वाला मार्किंग हम यहाँ पे इस तरीके से कर देंगे और ये दोनों लाइनों को हमें स्ट्रेट मिला लेना है। ये देखिए हमने पहले यहाँ किया था लेकिन हमने थोड़ा सा इस तरीके से कर देना है। अभी हमें देखना है इसका शोल्डर, तो इसका जो हमारा शोल्डर है वो है 16.5 इंच, लेकिन पीछे गला 11 इंच है तो हमें यहाँ पे जो शोल्डर रखना है वो 11.5 इंच शोल्डर रखना है। शोल्डर के का भी वीडियो हमारा ऑलरेडी बन चुका है, जब हमारा 4 इंच का गला रहता है तो हमें शोल्डर पूरा ही रखना पड़ता था, 6 इंच, 8 इंच, 10 इंच और 12 इंच का गला होता है तो हम शोल्डर माइनस 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 करते जाते हैं। उसके लिए भी हमारा हर साइज़ के हिसाब से 28 से लेकर 46 चेस्ट के हिसाब से हर साइज़ के हिसाब से वीडियो बन चुका है, अलग अलग शोल्डर किस तरीके से कटिंग करेंगे, तो वो वाला वीडियो देख लेना। हमारा 11.5 का दो पार्ट हमारा होता है, वो करीबन होता है 6.25 इंच, तो एक मार्किंग हम यहाँ पे 6.25 इंच पर कर देंगे और दूसरा हम यहाँ पे गले की ब्रॉडनेस देंगे। वो आप अपने कस्टमर के हिसाब से दे सकते हो। यहाँ पे 1/2 इंच अंदर की तरफ एक मार्किंग करेंगे। अभी देखिए यहाँ पे स्ट्रेट ना रखते हुए इसको हम हल्का सा क्रॉस में एक मार्किंग करेंगे और यहाँ पर भी हम इसकी शेप देंगे आर्म होल की, और ये वाली हमारी आर्म होल की शेप देने के बाद अभी हम इसका आर्म होल नापेंगे। तो इसका हमारा आर्म होल है वो है 18 इंच, तो हमारा 18 का 2 डिवाइड हमें करना पड़ेगा तो ये हमारा होता है 9 इंच, क्योंकि यहाँ पे आगे का और पीछे का पार्ट होता है। तो यहाँ पे देखिए जो हम शोल्डर में दबाएंगे उतना हमें एक्स्ट्रा रख देना है और उसके बाद हम इसको यहाँ से इस तरीके से नापेंगे तो ये हमारा करीबन आना चाहिए, वो आना चाहिए 9 इंच। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये हमारा 9 इंच आ रहा है, तो ये अभी हमारा सही है। अगर यहाँ पे 9 की जगह 9.5 इंच आता था तो हमें इसको ऊपर करना पड़ता था, अगर 9 की जगह 8.5 आता था तो हमें इसको डीप करना पड़ता। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारा आर्म होल वाला वीडियो देख लेना। ये इतना मार्किंग हो जाने के बाद गले का मार्किंग हमें कर देना है। गला है हमारा 11 इंच, तो हम यहाँ पे 11.5, अगर आपका 10 है तो आप 10.5, मैं हमारा यहाँ पे 11 है तो हम 11.5 इंच पर एक मार्किंग करेंगे। अभी देखिए यहाँ पे स्ट्रेट ना रखते हुए इसको हम हल्का सा क्रॉस में मार्किंग करेंगे और यहाँ पे फिर हम गले की शेप देंगे और यहाँ पे ये हमारा टक्स आएगा। याद रखिएगा कि टक्स है वो हमारा करीबन यहाँ से 4.5 इंच ऊपर की तरफ इस तरीके से एक टक्स आएगा, वो आप बाद में हम मार्किंग कर देंगे। तो अभी हम इसे कटिंग कर सकते हैं। तो कटिंग किस तरीके से करेंगे, तो देखिए यहाँ पे जो हम सिलाई का एक्स्ट्रा रखेंगे वो हमें छोड़ देना, उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक कटिंग कर देना है। एक बात आप खास ध्यान रखिएगा कि ये वाला जो हमने मार्किंग किया हुआ है
इसको हमें इसके साथ ऐसे हल्का सा क्रॉस कर देना है। तो ये हमारे पीछे का पार्ट कटिंग होकर तैयार हो गया हुआ है। अभी हम इसका आगे वाला पार्ट कटिंग करते हैं। बैक साइड वाला पार्ट कटिंग हो जाने के बाद अभी हम इसका बेल्ट निकालेंगे। तो वो हम किस तरीके से निकालेंगे, तो अभी सबसे पहले हमें करना है यहाँ पे इसका टॉक्स पॉइंट देखना है। टॉक्स पॉइंट था 10.5 इंच। तो देखिए यहाँ पे हम 11 इंच पर एक मार्किंग करेंगे और दूसरा हम 13 इंच पर एक मार्किंग करेंगे, 2 इंच एक्स्ट्रा, और इसको हम यहाँ पे स्ट्रेट मिला लेंगे। और ये स्ट्रेट मिला लेने के बाद अभी हमें कपड़े में जाना है। तो देखिए यहाँ पे हमने ये वाला मार्किंग और ये वाला दोनों मार्किंग किया हुआ है, वैसे आपको भी एक मार्किंग कर लेना है। और उसके बाद देखिए इसको हमें इसके साथ ऐसे रखना है, ये वाला डॉट और ये वाला इसके साथ ऐसे मिलना चाहिए, और ये वाला यहाँ पे इसके साथ ऐसे मिलना चाहिए, वैसे हम इसको रख देंगे। और उसके बाद देखिए ये वाला मार्किंग है उसको हम यहाँ पे इस तरीके से करेंगे, और एक एक्स्ट्रा मार्किंग और एक एक्स्ट्रा मार्किंग, ये इस तरीके से 3 मार्किंग आपको कर देने हैं, और यहाँ पे इसके साथ और सिर्फ एक एक्स्ट्रा मार्किंग ऐसे आपको कर देना है। और फिर देखिए ये लाइनों को हमें यहाँ पे इस तरीके से स्ट्रेट मिला लेना है। और ये हमारी स्ट्रेट मिल जाने के बाद अभी हमें देखना है यहाँ पे इसकी कमर। कमर है 36 इंच, 4 डिवाइड होता है हमारा 9 इंच। तो एक मार्किंग हम यहाँ पे 9 इंच पर कर देंगे, यहाँ पे करीबन 0.75 इंच पर एक और मार्किंग करेंगे, जो हमारा एक एक्स्ट्रा मार्किंग हमें कर देना है। वो जब हम और ये देखिए इसको हम यहाँ से हल्का सा इस तरीके से क्रॉस में रखेंगे और सिलाई के लिए एक एक्स्ट्रा मार्किंग कर देंगे। अभी हम इसे कटिंग करेंगे, तो कटिंग किस तरीके से करेंगे, तो देखिए यहाँ पे जो हम सिलाई का एक्स्ट्रा रखते हैं उतना हमें एक्स्ट्रा रख देना है, और यहाँ पर भी हमें एक्स्ट्रा रख देना है, बाकी का हमें सेम कटिंग कर देना है। तो ये हमारा यहाँ पे बेल्ट कटिंग होके तैयार हो गया हुआ है। तो अभी हम इसका आगे वाला पार्ट कटिंग करते हैं। तो अभी फ्रंट वाला पार्ट कटिंग करने के लिए सबसे पहले मैंने जैसे यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की वैसे एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, और यहाँ पे कटिंग मैं आपको बाद में करूँगा, किस तरीके से करेंगे बाद में बताऊँगा। तो देखिए यहाँ पे इसको ये जो लाइन है उसको हम यहाँ पे इस तरीके से रख देंगे, और यहाँ पर भी हम देखेंगे जगह रहनी चाहिए। अभी यहाँ से लेकर यहाँ तक एक मार्किंग कर देना है, और ये वाला मार्किंग हो जाने के बाद एक मार्किंग हमें यहाँ पे करना है, और एक मार्किंग हमें यहाँ पे 1 इंच का एक्स्ट्रा करना है। और हाँ, सिलाई के लिए एक्स्ट्रा हमें नहीं रखना, क्योंकि वो हमने यहाँ पर ही रख दिया था, जब भी मैंने आपको बोला था एक मार्किंग एक्स्ट्रा और एक मार्किंग एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा मार्किंग हमने योग का और ये वाला पार्ट का भी एक्स्ट्रा मार्किंग हमने कर दिया हुआ था। ये वाला इतना मार्किंग हो जाने के बाद इसको हम यहाँ पे हटा देंगे। अभी गला देखेंगे, गला है हमारा यहाँ पे 7.5 इंच। तो देखिए यहाँ पे हम 8 इंच पर एक मार्किंग करेंगे, और ये वाला मार्किंग हो जाने के बाद यहाँ पे हम इसका टॉक्स पॉइंट देखेंगे। टॉक्स पॉइंट था हमारा 10.5 इंच, तो 11 इंच पर एक सिर्फ हल्का सा डॉट करेंगे। तो अभी मैं यहाँ पे थोड़ी सी लाइनें मिला लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो यहाँ पे ये हमने इस तरीके से रख दिया। अभी इसको हम वापस से इसके ऊपर एक इस तरीके से रखेंगे, इसके साथ ऐसे मिलाएंगे, और देखिए ये वाला जो लाइन है उसको हमें यहाँ पे एक बार और देख लेना है। और ये वाला लाइन देख लेने के बाद अभी देखिए यहाँ पे हमने 1 इंच एक्स्ट्रा मार्किंग किया था, वो एक्स्ट्रा मार्किंग करना है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे टक्स आएगा, टक्स के लिए एक्स्ट्रा, और फिर यहाँ पर भी सिलाई के लिए एक्स्ट्रा छोड़ देना है, और ये वाला हमें मार्किंग कर देना है। और ये देखिए इसको हमें यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा स्ट्रेट करना है, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से आएगा, ये हमारा थोड़ा सा इस तरीके से चला गया था। तो ये वाला इतना हो जाने के बाद इसको हमें इसके साथ ऐसे मिला देना है। और अभी हमें देखना है सबसे पहले इसकी चेस्ट, तो चेस्ट थी हमारी करीबन 42 इंच, उसको हमें 10 के साथ डिवाइड करना है। तो ये हमारा जितना आता है हमारे यहाँ पे करीबन 4.25 इंच 4.25 इंच आता है। तो एक मार्किंग हम यहाँ पे कर देंगे, और ये वाला हमारा मार्किंग कर देने के बाद देखिए यहाँ पे हम करीबन 3.5 इंच पर एक मार्किंग करेंगे, और दूसरा मार्किंग हम करेंगे वो 2.5 इंच पर करेंगे। और ये वाला 2.5 इंच पर मार्किंग कर देने के बाद यहाँ पर हम कमर ही देख लेते हैं। अभी तो 36 का हमारा 4 डिवाइड होता है 9 इंच, तो यहाँ से हम देखेंगे 3.5 इंच, तो यहाँ पे 3.5 इंच रखेंगे, और यहाँ पे हम 9 इंच रखेंगे। तो 9 इंच पर एक मार्किंग कर देंगे,
और अभी देखिए ये हमारा यहाँ पे आया था और ये हमारा देखो हमने जो हमने यहाँ पे मार्किंग किया था टक्स पॉइंट का 11 इंच तो वो हमारा आया था यहाँ पर। तो ये यहाँ से थोड़ा सा हल्का सा ऊपर एक और मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं टक्स मिला के आपको दिखा देता हूँ। तो ये हमारा यहाँ पे टक्स आएगा और ये वाला इतना मार्किंग हो जाने के बाद यहाँ पे हम करीबन 1.5 इंच पर एक मार्किंग करेंगे, दूसरा मार्किंग हम यहाँ पे 3 इंच पर करेंगे। तो एक टक्स हमारा यहाँ पर भी आएगा और ये वाला टक्स है वो हमारा यहाँ पे इस तरीके से क्रॉस में आएगा और उसके बाद एक हमारा टक्स यहाँ पर आएगा। तो ये आप यहाँ पे इसके साथ रखने के बाद ऐसे भी कर सकते हैं या फिर यहाँ से आप इसको थोड़ा सा हल्का सा साइड में रहेगा तो भी चलेगा। एक टक्स हम यहाँ पे अब ज़्यादातर इसके साथ मिलाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसके साथ मिलाकर कटिंग करेंगे तो भी चलेगा। ये टक्स क्या होता है कि यहाँ पे आर्म होल में जोल ना आए उसके लिए ही होता है। तो देखिए यहाँ पे हम जब भी टक्स लेंगे तो ये हमारा फिट हो जाएगा, तो हमें फिट नहीं करना, उसके लिए हमें यहाँ पे एक मार्किंग कर देना है और फिर हमें इसका यहाँ से आर्म होल का शेप देना है। तो अभी ये वाला मार्किंग किस तरीके से करेंगे वो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। तो उसके लिए हम सबसे पहले इसको यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड कर देना है और ये हमारा फोल्ड हो जाने के बाद यहाँ पे हमारा पेपर है, इसके लिए थोड़ा कड़क है कपड़ा है तो ये आसानी से फोल्ड इस तरीके से हो जाएगा। और ये फोल्ड हो जाने के बाद इसको हमें यहाँ पर ये वाला मार्किंग को हमें इसके साथ ऐसे मिला देना है और ये वाला मार्किंग को भी हमें इसके साथ ऐसे मिला देना है। अभी हमें इसको वापस से इस तरीके से कर देना है तो ये हमारा यहाँ पे कुछ इस तरीके से और यहाँ पे कुछ इस तरीके से आएगा और यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से हमारा आएगा। तो ये देखिए ये हमारा कुछ इस तरीके से आएगा। तो सबसे पहले मैं ये भी डार्क करके आपको दिखा देता हूँ, हमने इसको डार्क कर दिया हुआ है। अभी कटिंग करने से पहले हमें एक बार इसको नाप लेना है। तो देखिए यहाँ से हम इसको नापेंगे तो ये हमारा यहाँ पे आ रहा है और ये हम यहाँ पे आ रहा है। तो ये देखिए ये हमारा अभी सही है, तो अभी हम इसे कटिंग कर सकते हैं। लेकिन कटिंग हम किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पे जो आयु की पट्टी के लिए हमें एक्स्ट्रा रखना है, बाकी का हमें इसका साथ में ही कटिंग कर देना है। तो यहाँ पे ये हमारा कुछ इस तरीके से हो गया, लेकिन अभी हमें इसको भी इस तरीके से मोड़ देना है और वापस से एक बार और मोड़ना है। तो देखिए ये हमारा यहाँ पे कुछ इस तरीके से आएगा और अभी हम यहाँ पे इसका आर्म होल का शेप देंगे। आप डायरेक्ट दे दोगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसे देंगे तो थोड़ा फिनिशिंग अच्छा आएगा टक्स का। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा कुछ टक्स इस तरीके से आएगा। तो अभी देखिए याद रहेगा कि ये हमारा टक्स है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आएगा और ये हमारा अभी बेल्ट वाला ब्लाउज, ये देखिए यहाँ पे ये हमने कुछ एक्स्ट्रा ज़्यादा रख दिया हुआ है तो ये हम कटिंग कर देंगे। आयु की पट्टी के लिए सिर्फ हमें इतना ही रखना है। तो अभी एक बार मैं आपको और नाप के दिखा देता हूँ। तो ये हमारा यहाँ पे आया और ये हमारा यहाँ पे आया, तो ये हमारा अभी बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया बेल्ट वाले ब्लाउज का कटिंग। अभी हम इसका ये गला कटिंग कर देंगे और फिर आर्म होल का नाप लेके आस्तीन कटिंग करेंगे। तो अलग अलग आर्म होल के हिसाब से 3 से लेके 20 के आस्तीन तक का फुल ट्यूटोरियल हमने बताया हुआ है और हमारा 3-4 वीडियो आस्तीन कटिंग पे बन गया हुआ है। तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके वो वाले वीडियो भी आप देख लेना जिसमें हमने अलग अलग आर्म होल के हिसाब से आस्तीन किस तरीके से कटिंग करते हैं वो बताया हुआ है। और उसके बाद हम इसको मेन कपड़े में रखने के बाद स्टिच कर देंगे, तो इसका स्टिचिंग का वीडियो भी हमारा ऑलरेडी बन चुका है। अगर वो भी आपने नहीं देखा तो उसकी भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वो भी आप देख लेना या फिर आप हमारे चैनल पर विजिट करके भी देख लेना। ये वीडियो को कैसा लगा वो नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।